नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नालंदा के शिवपुरी में लापता बच्चे को उसकी दादी के घर से बरामद किया गया है। भाई के डांटने पर घर छोड़कर चला गया था, 1 अप्रैल को हुआ था लापता। सिलाव में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर 17 और 18 अप्रैल को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। सरमेरा थाने में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग जख्मी हुए। बिंद थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में बदमाशों ने युवक की दोनों आंखें फोड़ने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने चचेरे भाई, साले और अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई। ट्रेन थाना में विक्षिप्त अवस्था में दुष्कर्म, विक्षिप्त के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जलेबी देने का लालच देकर युवक ने घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बिहार थाना इलाके के बड़ी दरगाह मोहल्ले से 3 मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मौके से 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हुए। बेना थाना इलाके के पैठना गांव में इंटर की परीक्षा में फेल होने के कारण छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इंटर में 3री बार फेल हो गई थी छात्रा। बिहार शरीफ के न्याय परिषद के न्यायाधीश ने अपना 35वां जन्मदिन बाल गृह में अनाथ बच्चों के साथ मनाया। मौके पर न्यायाधीश और डीएम ने बच्चों के साथ केक काटा। अस्थावा थाना इलाके में निर्माणाधीन बाईपास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिस कारण 7 मजदूर जख्मी हो गए। मजदूरों की हालत गंभीर है। कतरीसराय थाना पुलिस ने साइबर ठगों के अड्डे पर छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों की निशानदेही पर पुलिस छापेमारी में जुटी। सोहसराय थाना क्षेत्र में बेटे के किताब खरीदने के लिए पैसे मांगने पर पिता ने अपने बेटे, पत्नी और मां को लोहे के रॉड से पीटकर जख्मी कर दिया। बिहार शरीफ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदनों के लिए डीएम ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने आवेदन को लेकर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही। डीएम ने 60% से कम सत्यापन करने वाले 6 कृषि समन्वयक और 40% से कम सत्यापन करने वाले 7 अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग। रहुई थाना पुलिस और लोकसभा चुनाव को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 800 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई, जमीन में छिपाकर रखी गई थी शराब। उत्पाद विभाग की टीम ने हरनौत में छापेमारी अभियान चलाकर 22 लीटर चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके से सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। मोतिहारी के सुगौली थाना में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। आग बुझाने के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। मोतिहारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ जिला पदाधिकारी ने बापूधाम स्टेशन परिसर में मतदाता जागरूकता केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों से वोट करने की अपील की। सदर प्रखंड के गांधी मैदान से पुलिस लाइन जाने वाली सड़क पर पेड़ टूटकर गिरने से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर स्थित वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में द करियर क्लासेस के संचालक प्रियेश कुमार श्रीवास्तव ने इंटर परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया। बगहा 2 प्रखंड के पटकौली में सनफ्लावर एकेडमी स्कूल में सफल छात्र राज तिवारी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बगहा के गंडक दियारा के ठगराहा प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। बगहा 2 प्रखंड के मदनपुर वन विभाग के होते हुए अवैध बालू खनन का कारोबार जारी है। सीमावर्ती यूपी से महंगे दरों पर बालू बेचने में कामयाब है माफिया। बगहा के रामनगर प्रखंड में आम और लीची की खेती देखकर किसानों में खुशी की लहर। इस साल आम और लीची के पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुरा में महर्षि इंटर कॉलेज में आयोजित एनडीए की चुनावी सभा को अनुमति नहीं मिलने पर भी सभा करने के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर में भूकंप वेधशाला के हाल बदहाल है। कर्मियों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने और संचालन में प्रभारी के गायब रहने से परेशानी बढ़ती जा रही है। कटिहार के फलका प्रखंड में आग लगने से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। दुकानदारों ने जांच की मांग की। मनसाही प्रखंड में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके से ट्रक चालक फरार, जांच में जुटी पुलिस। हसनगंज प्रखंड में बनाए गए 37 मतदान केंद्रों का प्रखंड विकास पदाधिकारी ने निरीक्षण किया, साथ ही मतदाताओं को सुरक्षित मतदान होने का भरोसा दिया।
हसनगंज प्रखंड में ग्राम स्वराज अभियान के तहत बिजली कनेक्शनधारी और बीपीएल परिवारों के बीच बिजली शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 60 लाभुकों के बीच मुफ्त बिजली मीटर, एलईडी बल्ब, एमसीबी तार आदि का वितरण किया गया। करवा प्रखंड के तैतलिया पंचायत में पुल निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन से निर्माण कार्य करने की मांग की। रामनवमी और छठ पर्व को लेकर जहानाबाद के मखदुमपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के कई गांवों में सीआईएसएफ के जवानों ने लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला, ताकि मतदाताओं में विश्वास बना रहे और लोग बिना डर के मतदान कर सकें। जहानाबाद के रतनी प्रखंड क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर ईवीएम वीवीपैट से मतदान करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही लोगों ने मतदान करते हुए की शपथ ली। जहानाबाद सदर प्रखंड के व्यवहार न्यायालय में जिला जज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निष्पादन में तेजी लाने और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पिछले चुनाव में मतदान कम होने से हुलासगंज प्रखंड में जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थानाध्यक्ष जितेंद्र के साथ अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले गए। यूपीए महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के कई गांवों का दौरा किया गया। इस दौरान सिद्दीकी ने मतदाताओं को अपने नामांकन में अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट देने की अपील। केवटी थाना क्षेत्र में तेजाब कांड के दो मुख्य आरोपी प्रदीप साहू और चंद्रेश्वर साहू को तीन दिनों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दरभंगा आरपीएफ ने जंक्शन पर रेल यात्रियों को परेशान कर पैसा वसूली करने के आरोप में एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 7 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए एमओआईसी के और सीडीपीओ ने बैठक आयोजित। सदर प्रखंड में खुटवार पंचायत में एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान चलाया। 5 अप्रैल को नॉमिनेशन करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर भाग लेने की अपील की। बिजली के हाई वोल्टेज लाइन टूटकर गिरने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, बाद में मौके पर मौजूद किसानों ने आग पर काबू पाया। मनिगाछी प्रखंड के राघोपुर गांव में नया ट्रांसफार्मर लगने से लोगों में खुशी का माहौल है। कई साल से बिजली की समस्या से लोग परेशान थे। एमएसयू कार्यकर्ता रमेश झा को लोगों ने शुक्रिया किया। केवटी जयनगर नेशनल हाईवे 527 पर वाहन जांच के दौरान बालू से लदे 4 ट्रक जब्त किए गए हैं। जुर्माने के बाद ट्रक को छोड़ दिया गया। केवटी में कमतौल इंस्पेक्टर बसंत कुमार झा ने मतदाताओं से मिलकर उन्हें बिना डरे मतदान में भाग लेने की अपील की। नौबतपुर थाना अंतर्गत घरेलू विवाद के चलते शराबी पति ने अपनी पत्नी की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद, वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बगैर हेलमेट वाले चालकों से उठक बैठक कर चेतावनी दी गई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। विक्रम थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 139 बाईपास पर सड़क हादसे में युवक जख्मी हो गया, बाद में उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर पालीगंज एसडीओ ने पीडीएस दुकान पर छापेमारी की। कालाबाजारी के लिए रखे 120 बैग अनाज जब्त कर पीडीएस दुकान को सील किया गया, साथ ही दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है के नारों के साथ नौबतपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार और शिक्षा पदाधिकारी मतदाता जागरूकता रैली निकाली। पूर्णिया बायसी प्रखंड थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 31 पर वाहन जांच के दौरान 40 ड्रम में स्प्रिट बरामद की गई, मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया बायसी प्रखंड के गंगाधर पंचायत में मुख्यमंत्री लोहिया स्वच्छ अभियान की नाकामी सामने आई है। गांव में शौचालय का निर्माण 1 साल पहले कराया गया था, लेकिन शौचालय में दरवाजा और छत नहीं होने से बेकार पड़ा हुआ है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक से 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों ने युवक पर गोली चलाई, लेकिन युवक बाल बाल बच गया। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल में रुपौली प्रमुख पद का चुनाव अनुमंडल कार्यालय में संपन्न हुआ। चुनाव में रेखा देवी 19 मतों से जीत हासिल करने में कामयाब रही। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में निजी जमीन पर जबरदस्ती नल जल योजना का पाइप लगाने पर बुजुर्ग ने मुखिया के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की। शेखपुरा में परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण ओवरलोड ट्रैक्टर को बिना चेक किए जाने दिया जा रहा है, जिस कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ रही है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड में एचएम के प्रैक्टिकल में कम अंक देने पर लोहार +2 के छात्रों ने हंगामा किया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर ईडीएम के साथ अधिकारियों ने कई गांवों में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। शेखपुरा जिले के चोरवर गांव में चापाकल में पानी को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने जमकर मारपीट की, बाद में स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फारबिसगंज के हरिपुर में श्रीराम नवमी शोभा यात्रा को लेकर संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया। प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर वितरित किए गए। फारबिसगंज सदर इंटर परीक्षा में लड़कियों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में वाणिज्य विषय में फारबिसगंज कॉलेज की छात्रा तिथि नंदिनी ने 87% अंक हासिल किए। फारबिसगंज में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रैली निकाली। इस दौरान बच्चों ने हाथों में जागरूक करने के लिए तख्तियां भी ले रखी थी।
फारबिसगंज में खवासपुर में बीजेपी विधायक ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विधायक ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की भी अपील की। फारबिसगंज के शाहवासपुर में भाजपा विधायक मंचन केसरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। मतदान से पहले अभियान के दौरान मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। फारबिसगंज में रामपुर में पूर्व मंत्री यमुना राम का पार्थिव शरीर पहुंचते ही शोक प्रकट करने वालों का तांता लग गया है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं समेत सैकड़ों ग्रामीण शोक प्रकट करने पहुंचे। फारबिसगंज के अरारा में वीडियो ने ग्रामीणों से मुलाकात कर सभी ग्रामीणों से बिना डरे वोट करने की अपील की। साथ ही कई बूथों का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। फारबिसगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल के सभी अधिकारियों समेत कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई फैसले किए। फारबिसगंज सदन में स्कूली बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। बच्चों ने महापर्व में शामिल होने के लिए लोगों से अनुरोध किया। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंधुगंज के समीप कूड़ा कचरा के डंपिंग किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से समस्या का निजात दिलाने की मांग की। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड में जीविका महिला संकुल संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जहानाबाद सदर प्रखंड में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई। आग की वजह से स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में सारा घर जलकर खाक हो गया। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा गांव में नाली की समस्या से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक कोई निदान नहीं निकला। समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल मुख्य प्रबंधक आरके जैन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति और नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में मंडल के उपलब्धियों की जानकारी दी। जीआरपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं और एनडीए के घटक दलों की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नित्यानंद राय बैठक में शामिल। दलसिंहसराय प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुर जलालपुर और बेसिक स्कूल बनघारा के छात्र छात्राओं ने अपने अपने प्रिंसिपल और शिक्षक के नेतृत्व में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। समस्तीपुर समाहरणालय में नए मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए समाहरणालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां युवा नहीं पहुंच पाए। छपरा के चंदपुरा में जहरा खातून मामले में न्यायालय के निर्देश पर कब्र से शव निकाला गया। बता दें कि मृतक जहरा खातून को उनकी पुत्रवधु ने जिंदा जलाने की कोशिश की। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय यज्ञ में गायत्री महायज्ञ में लोगों को भारी भीड़ देखी गई। छपरा के बलुआ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में। रामनवमी को लेकर मशरक थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के आवश्यक निर्देश दिए। गौतम स्थान स्टेशन के पास रेल पटरी निर्माण में लगे मजदूरों ने घटिया खाना देने के आरोप में 1 घंटे तक रेल को रोके रखा। मांझी प्रखंड के दौरान सांसद सिग्रीवाल ने लोगों से एनडीए को मजबूत करने का आग्रह किया। सिसवन थाने के सिसवन ताजपुर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बनी। जियादेई थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैरवा थाना क्षेत्र में लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान अधिकारी कई वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। मैरवा प्रखंड में जीविका दीदियों के बीच मेहंदी लेखन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मतदाताओं के हाथ पर नैतिक मतदान का स्लोगन लिखा गया। जीरादेई प्रखंड क्षेत्र में दिवंगत नेता कॉमरेड श्याम नारायण यादव का 22वां शहादत दिवस मनाया गया। डुमरा प्रखंड के परोहा पंचायत में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण विकास की कमी देखी गई है। गांव में सड़कें कच्ची हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैरगनिया नगर पंचायत की सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा रहता है, जिस कारण जाम की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बघादो प्रखंड के नारायणपुरा स्थित वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में द कैरियर क्लासेस के संचालक वीएस कुमार श्रीवास्तव ने इंटर परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया। बघादो प्रखंड के पटखौली में सनफ्लावर एकेडमी स्कूल में सफल छात्र राज तिवारी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बघा के गंडक दियारा के ठकराहा प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। बघादो प्रखंड के मदनपुर वन विभाग के होते हुए अवैध बालू खनन का कारोबार जारी। सीमावर्ती यूपी से महंगे दरों पर बालू बेचने में कामयाब माफिया।
कहा कि रामनगर प्रखंड में आम और लीची की खेती देखकर किसानों में खुशी की लहर। इस साल आम और लीची के पैदावार में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही। गढ़वा के भवनाथपुर में बजरंग बली मंदिर परिसर में रामनवमी पूजा धूमधाम और शांतिपूर्वक मनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। पलामू सांसद सह बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदयाल राम ने शिववंशीधर मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत के लिए वंशीधर जी से आशीर्वाद मांगा। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड प्रभारी छात्र प्रकोष्ठ के नेता समेत चार अन्य युवकों ने नगर उटारी अहिपुरवा मोड़ स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गढ़वा के शिववंशीधर नगर में एसडीपीओ ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को चुनाव और रामनवमी पर्व पर चौकस रहने का निर्देश दिया। रमना प्रखंड में सेंट जेपी स्कूल के ऑटो में बस में मारी टक्कर, जिससे चार स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मझियाव प्रखंड में संसदीय चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारी ने कई स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान वाहनों से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। गांडी प्रखंड में मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका मामला सामने आया है। डॉक्टर ने बवासीर की जगह बच्चेदानी और अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर डाला। कांडी थाना क्षेत्र के घुरुआ गांव में एक महुआ के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 150 बोतल किंगफिशर की शराब की बोतल बरामद हुई। भवनाथपुर के राजकीय बुनियादी विद्यालय भवनाथपुर के छात्रों से बाहरी लड़कों ने मारपीट की है। स्कूल प्रशासन ने मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कैलान गांव में घर में रखे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे गेहूं का पूरा कुंज जलकर खाक हो गया। भवनाथपुर में चाय दुकान के पास साइकिल सवार को बचाने में बाइक के चालक घायल, गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वंशीधर नगर के प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्णाचंद्र शास्त्री जी उर्फ ठाकुर जी ने श्री वंशीधर मंदिर में विराजमान युगल सरकार के दर्शन पूजन किए। ठाकुर जी गोदरमा गांव में श्रीमद भागवत कथा का प्रवचन करने आए। देवघर के नेताजी सुभाष इंदौर स्टेडियम में कराटे क्लब की ओर से प्रशिक्षित कराटे खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट प्रदान किया गया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। देवघर में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और कई समाजसेवियों ने मिलकर निजी स्कूल का उद्घाटन किया। मोहनपुर में वर्तमान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील। देवघर के आर मित्रा स्कूल में बच्चों को एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और शिक्षा की जरूरत विषय पर सेमिनार आयोजित कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। सारण प्रखंड के सारठ बाजार में महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने शिरकत की। देवघर में हिंदू नववर्ष को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। देर रात्रि तक युवाओं के चौराहे पर झंडा लगाकर नववर्ष को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया। देवघर के सत्संग नगर में संथाल परगना के आयुक्त ने सभी डीसी के साथ बैठक की और चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर मंत्रणा की। देवघर के मोहनपुर में मोहनपुर प्रखंड में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने क्षेत्र में घूमने के दौरान क्रिकेट मैच खेला। मौके पर उन्होंने स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है का संदेश। देवघर के सारठ प्रखंड में सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने प्रभारी नेता रीता चौरसिया के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर एक बैठक की, जिसमें दुमका लोकसभा में सारठ की अहम भूमिका बताते हुए ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील। देवघर के बाबा मंदिर में नगर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रांगण में हवन किया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के घोरमारा में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनु दुबे ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। प्रचार प्रसार के दौरान नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए को वोट करने की अपील। देवघर के धोबिया टोला में हिंदू नववर्ष को लेकर एक बैठक की गई और घर घर जाकर हिंदू नववर्ष के झंडे बांटे गए, साथ ही सामूहिक रूप से हिंदू वर्ष मनाने की अपील। देवघर के सारवा प्रखंड के सारवा में गोड्डा के जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया, साथ ही एक बैठक कर रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। पलामू के मेदिनीनगर शहर में अनुमंडल पदाधिकारी ने डीजे संचालकों के साथ बैठक कर रामनवमी पर्व पर डीजे नहीं बजाने का निर्णय लिया। पांडू में रामनवमी पर्व को लेकर पांडू बीजेडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक कर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला किया। विश्रामपुर में आरजेडी नेता घूरन राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने का निर्णय लिया गया। विश्रामपुर में चुनावी अभियान को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी सांसद बीडी राम समेत कई नेताओं ने बैठक की। रेहला के गोदरमा में भागवत महापुराण कथा यज्ञ संपन्न हो गया, समापन के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। पलामू के पांडू में बजरंग दल की हुई बैठक, रामनवमी पर्व को लेकर बैठक में निकाला जाएगा मोटरसाइकिल जुलूस।
मेदिनीनगर में जुगल किशोर के नेतृत्व में निकाला गया मंगलवारी जुलूस। हैदरनगर में गरीबों और जरूरतमंदों को बैंक ने निःशुल्क कपड़ों का वितरण किया। छतरपुर में प्रशिक्षु आईपीएस ने गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में असंतुलित होकर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। महेशपुर प्रखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट अभियान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का पोस्टर उद्घाटित किया। महेशपुर प्रखंड के पथरिया गांव में आवास योजना के लाभुक होने के बाद इलाहाबाद बैंक खाता से फर्जी तरीके से 20,000 रुपए निकासी कर लेने का मामला सामने आया। आमरापारा में लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीडीओ के निर्देश पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी की महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के पलियादाह और हरीशपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 425 लीटर शराब जब्त की है। मौके से अपराधी फरार। दुमका प्रखंड के गोलबंधा गांव में सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरईओ विभाग ने अधिकारी से निर्माण जल्द करने की बात कही। दुमका में सड़क खराब होने पर आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जल्द सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। दुमका शिकारीपाड़ा प्रखंड में 50 से ज्यादा गांव में 15 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका ऐतिहासिक गांव मलूटी में महिलाएं टेराकोटा से निर्मित सामानों के प्रशिक्षण ले रही हैं। शिवदुर्गा प्रशिक्षण केंद्र की ओर से गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रामगढ़ जिले के निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय में बड़े सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान कर्मियों को जरूरत के मुताबिक सभी सामग्री उपलब्ध हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रामगढ़ जिले के सभी बूथों से जुड़े कर्मियों को चुनाव की तकनीकियों से संबंधित जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें ईवीएम और वीवीपैट को जोड़ने की प्रक्रिया बताई गई। रामगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप इकाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। रामगढ़ में स्वीप इकाई की ओर से चल रहे जागरूकता अभियान में लोगों को पहले मतदान फिर कोई काम करने का संदेश दिए रहे। दुलमी प्रखंड के प्रियातु चौक में निजी विद्यालय के एडमिशन के नाम पर मनमाने रकम वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में विरोध है। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के दृष्टिकोण से जिले के अनुमंडल पदाधिकारी ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की। जिले के निर्वाचित पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी और एवं उप विकास आयुक्त श्री संजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को पतरातू के SS+2 मॉडल उच्च विद्यालय के साथ कई स्कूलों में बनाए गए क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।